हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है टेक मशीन की फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी प्रोडक्शन लाइन के बारे में जिसका यूज आप सिनेमा हॉल में मूवी को देखते देखते करते हैं। कुछ आया मन में विचार? सोचो, नहीं आ रहा ना? चलो ओके, मैं ही बता देता हूँ। पॉपकॉर्न की फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इन पॉपकॉर्न को आप तक पहुँचाने में फैक्ट्री क्या क्या करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पॉपकॉर्न को बनाने के लिए सबसे पहले बीजों को तैयार किया जाता है। इन बीजों को खसखस से प्राप्त किया जाता है व इन्हें धूप में सुखाया जाता है। अब इन बीजों को विदाउट ऑयल में सेखा जाता है व साथ ही बीज को पानी में उबाल कर साथ ही विस्तृत किया जाता है। अब इन बीजों को गर्मी देने के लिए एक हाई टेम्परेचर वाली भट्टी से या मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह बीज तापमान की वजह से फटने लगते हैं व पॉपकॉर्न का आकार ले लेते हैं। इसके बाद पॉपकॉर्न को हिलाया जाता है व अपशिष्ट को हटा लिया जाता है। अब इन्हीं पॉपकॉर्न में अलग अलग फ्लेवर्स को डाला जाता है। वह स्वाद अनुसार पैकेजिंग मशीन में अलग अलग पैकेट में पैक किया जाता है। फॉक्स पैकेट में भरने के बाद इसको साफ करके वह हाई क्वालिटी देकर बाजारों में सेलिंग के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, फैक्ट्री में पॉपकॉर्न को इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहतरीन लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।